दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज है ना इतनी आप लोगों को एक मस्त वाली चीज बताने वाला हूँ मैं। तो आपका भाई है ना इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था, तो काम जैसे मैं बता रहा था आप लोगों के दिवाली के काम के चक्कर में हम लोग नहीं बना पा रहे थे। पर दूसरा भाई ये था कि अब है ना मैं यूट्यूब स्टूडियो बना रहा था अपने लिए। तो ये वाला जो रूम है ना जिसको मैं, ये आप देखो, इसकी हम लोगों ने पूरी प्रॉपर सफाई करी है। थोड़ा डैमेज हो गया था अभी इस तरफ, भाई गेट नहीं लगाया था इसमें, हम लोगों ने अभी पन्नी लगा दी है, अभी गेट नहीं आया है। और पीछे आप लोग देखो ये प्रिंट बनाया था हम लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को उस दिन ब्लॉग में बताया था। पर ये नहीं बताया था कि ये हम लोग यूट्यूब स्टूडियो बनाने वाले हैं। पर यूट्यूब स्टूडियो भी रहेगा और भाई हमारा बेडरूम भी रहेगा, तो इस तरह हम लोगों का बेड लगेगा। और इस तरफ भाई ये वाला जो कोना देख रहा है ना, इधर पर हम यूट्यूब स्टूडियो बनाएंगे। तो इसी का काम कर रहा था ना, इसलिए मैं ना ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रहा, अभी दो चार दिन से इसी पे लगा हुआ हूँ। तो सोच भी रहा हूँ कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, कैसा बनाना है। हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, बस ये है कि जैसे कई बार मैं बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ ना, तो उसके हिसाब से इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। और अभी देखो ये धीरे धीरे ना चीज़ें भी इकट्ठे करते जा रहा हूँ। और ये देखो ये जो लैम्प है ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, है ना। आप ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये सीमेंट का है, तो कलर वगैरह लगा है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और ये कुछ हैंडमेड लाइट वगैरह बना रहा हूँ मैं फोकस के लिए, कुछ चीज़ें जो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं अपने हाथों से उन्हें बना रहा हूँ। तो देखते हैं कंप्लीट होने के बाद भाई कैसा लगेगा। तो अभी इतना ही है और दिखाऊंगा जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ना, आप लोगों को दिखाता जाता। अभी है ना लाइटिंग सेटअप करूंगा ना जब मैं इसका, तब आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे का कैसा है। तो आप लोग है ना कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को मजा आया नहीं आया। तो अभी पहले मैं पूरा कंप्लीट करूंगा ना, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। भाई आप लोग ये देख रहे हैं ना टायर, तो ये दो टायर लाके मैं इसको है ना कुर्सी बना रहा था अपने हाथों से। और इसको है ना इसमें जो रस्सी है इसको बुन दूंगा, तो एक प्रॉपर भाई कुर्सी की तरह बन जाएगी। आप लोगों ने यूट्यूब पे तो काफी देखे होंगे ऐसे वीडियो, तो इसमें बैठने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा एक और बनाऊंगा और देखूंगा लग कैसा, अगर अच्छा लगा भाई तो इसी का कुछ सेटअप अच्छे से बनाऊंगा। इसमें कलर वलर करने के बाद भाई बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। तो भाई अभी देख लो आप, अभी लाइट वगैरह पंखा वगैरह भी नहीं लगे हुए, अभी एक ही बल्ब लगा हुआ है, अभी पूरे वायर खुले पड़े हुए हैं। तो पहले इनको भी कंप्लीट करना है, तो धीरे धीरे पहले सब चीज़ कंप्लीट करते हैं। और ये अलमारी इसी तरफ रहेगी और इस तरह भी थोड़ा सा अच्छा सा सेटअप जमाएंगे, जो से बैठें तो अच्छा लगे देखने में और थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी रहे। तो करते हैं कंप्लीट और फिर देखते हैं। तो भाई फाइनली है ना आधा अधूरा हमारा स्टूडियो तैयार हो चुका है। तो अभी आप देखो पीछे ये मैंने ना जो टायर का जो कुर्सी बनाई है बैठने के लिए वो रखा है, पीछे मोबाइल माउंट करने के लिए स्टैंड रखा है और कुछ लाइटिंग कर दी। अभी लाइटिंग और फिट होनी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ भाई, रात हो गई थी और भी काम था ना, तो उन कामों में लगा हुआ था। और आप देखो भाई पूरा बेडरूम जो हमारा है ना उसको मैंने आधा स्टूडियो बनाया, पीछे ये रैक भी पोत के इसको कलर कर दिया, तो ये भी आधा जम चुका है। तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखते हैं और बेड अभी भाई फैला हुआ है क्योंकि अभी मैं लेटा हुआ था, फिर मैंने सोचा चलो यार वीडियो कंप्लीट कर देते हैं इसको। और नेक्स्ट वीडियो में भाई पूरा स्टूडियो अच्छे से जब पूरा कंप्लीट करा लूँगा ना, तब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ज़्यादा इतना कुछ नहीं, कुछ घर की चीज़ों से कुछ हाथों से बना के, ज़्यादा कुछ महंगा सेटअप खर्च नहीं कर रहा क्योंकि भाई अभी इतना पैसा नहीं है अपने पास कि अपन स्टूडियो में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो अभी केवल नॉर्मल बनाया है जो से आप लोगों से बैठ के बात कर सकें, क्योंकि भाई अब मैं कोई गैजेट वगैरह का रिव्यू तो नहीं करना कि उसके लिए बहुत अच्छी स्टूडियो बनाना पड़े, केवल आप लोगों से बात करने के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा जगह हो कि वहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगे, लाइटिंग माइटिंग अच्छी हो, तो भाई उस टाइप का मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आधा कंप्लीट हुआ है, तो अभी है ना धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद है ना आप लोगों को दिखाएंगे भाई, बहुत मस्त होगा। पर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद मस्त लगे, फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों को इतना तो दिखा देते हैं, बाकी धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहा है। और ये गोदरेज है तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो गेट है ना उस पर भी गेट नहीं लगा, तो वो भी कुछ दिनों बाद आ जाएगा, तो वो लगने के बाद ये हट के दूसरी जगह चला जाएगा, तो यहाँ का भी पूरा एक सेटअप हो जाएगा, रोशनी अच्छी रहेगी, यहाँ से गेट रहेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय।